नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और दोस्तों आज के एपिसोड में ओप्पो F7 आ चुका है F.11 वाला अपडेट जो 2.81 GB का है। जी हाँ दोस्तों, और मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि ये अपडेट सिर्फ कलर ओएस 7 का जो ट्रायल वर्जन है उन लोगों को मिलेगा या फिर जो कलर ओएस 6 में उन लोगों को डायरेक्ट मिल जा रहा है। ये आप में से कौन से यूजर्स को मिला है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इससे मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन यूजर्स को ये अपडेट मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अपडेट का साइज था वो 2.81 GB का था। जी हाँ, काफ़ी बड़ा था, लगभग 3 GB। और इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया गया, बग्स एंड ग्लिचेस हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं इस फोन को अपडेट करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको बताऊंगा आगे जाके कौन कौन से बग्स को फिक्स कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल राम जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ओप्पो F7 है फाइनली अपडेट हो चुका है। F.11 वाला अपडेट जो है दोस्तों पूरी तरह से कामयाबी से ये आ चुका है। तो अभी देखिए फ़ोन भी अनलॉक हो चुका है। और भाई यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो कलर F7 का जो ट्रायल वर्जन जिन जिन लोगों के पास है उन्हीं लोगों को ये अपडेट मिला है। बट मैं जानना चाहता हूँ क्या कलर ओएस 6 वालों को भी अपडेट मिला है, क्योंकि ये स्टेबल वर्जन बोल के आया है लेकिन भाई लिखा हुआ था ऑफिशियल ग्लोबल वर्जन, तो इसका मतलब शायद ये ग्लोबली भी जा सकता है आप लोगों के पास। तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे किन किन यूज़र्स को अपडेट मिला है या नहीं। तो चलिए फ़ोन तो पूरी तरह से फुल्ली हो चुका है अपग्रेड, तो अब आपको दिखाते हैं कि भाई क्या क्या अपडेट सिस्टम एंड फीचर्स आए हैं, क्योंकि भाई ये भी जानना ज़रूरी है। नो नेटवर्क कनेक्शन, अच्छा, डेटा ऑफ है, डेटा ऑन कर लेते जल्दी से क्योंकि नेटवर्क, एक मिनट रिफ्रेश पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों अभी देखेंगे जो फीचर्स हैं वो पहली बता दिया गया है कि जून एंड जुलाई का जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है ना, वो भाई हमें पहले ही दे दिया गया, यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए F.11 वाला अपडेट है भाई, कलर ओएस 7 ही है और कोई दूसरा तीसरा फ़ोन नहीं है, ठीक है। नॉच देख के आप लोग पहचान रहे हो ना कौन सा फ़ोन है, हाँ, क्योंकि चलो ठीक है। तो यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर दिया गया, पहले बता दिया एंड्रॉयड में जुलाई एंड जून का जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है उसे दे दिया गया है। उसके बाद इम्प्रूव्ड द रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी ऑफ फिंगरप्रिंट पेमेंट फॉर पेमेंट एप्स, इम्प्रूव्ड द स्टेबिलिटी फॉर असिस्टिव बॉल्ड, कैमरा का सिस्टम में दिया गया है फिक्स कैमरा फंक्शन ग्लिचेस एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, फिक्स्ड कैमरा इशू व्हेन LEHUA लॉक स्क्रीन मैगजीन इज टर्न ऑन, फिक्स्ड एन इशू वेयर द वाईफाई आइकॉन ऑकेशनली नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्टेटस बार आफ्टर द वाईफाई असिस्टेंट वाज टर्न्ड ऑफ, इम्प्रूव हॉटस्पॉट स्टेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉटस्पॉट से लेकर जितना बग्स था उसे फिक्स कर दिया गया है, वाईफाई से लेकर जितना प्रॉब्लम था उसे फिक्स कर दिया गया है। पेमेंट करते टाइम जो है हम लोग जब पेमेंट करते थे तो फिंगरप्रिंट जो लोग यूज़ करते थे उनमें दिक्कत आता था। मैं भी पेमेंट वगैरह करता था अपने इस ओप्पो F7 से तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती थी, तो वो भी पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है। और जो भी कैमरा में बग्स एंड ग्लिचेस थे ना वो भी हटा दिया गया है, और जो लॉक स्क्रीन मैगजीन का जो पंगा था ना लोगों के साथ उसे भी फिक्स कर दिया गया था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड के संग मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग इसको ऑन करते हैं ना, तो देखो जैसे नोटिफिकेशन बार नीचे करते हैं तो ये स्पीड दिखाता है, लेकिन जैसे इसे ओपन कर देंगे ना तो अभी देखेगा नहीं दिखाएगा। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, शायद हो सके ये बग हो जो ऊपर नहीं दिखा रहा हो, या फिर हो सके जो नॉच है ये काफ़ी बड़ा, इसके चलते जो है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड हमें नहीं दिख पा रहा है बहुत ने बड़े जो है नॉच के चलते, क्योंकि भाई 2018 का फ़ोन है तो नॉच ही उसी तरह से है। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आना तो एक काम करिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो बगल वाला घंटा दबा लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोज़ के सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।